सारे लोग कम से कम हम G6 वाले तो उनकी तो मैं आपको इस मामले में गारंटी देता हूं कि वो तो सारे के सारे हम आज कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस के सदस्य हैं और विधानसभा में भी कांग्रेस के माननीय सदस्य हैं। तो जो भी सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी जो फैसला करेगा, हम उस फैसले का स्वागत करेंगे। इन पायलट या अदर, तो फिर आप लोगों का क्या रुख रहेगा? देखिए, अब कांग्रेस का जो मैंने आपको बता दिया कि जो भी फैसला कांग्रेस के हमारे नेता, हमारे सोनिया जी और राहुल जी, प्रियंका जी, वो फैसला करेंगे, उसको सारे लोग स्वीकार करेंगे। और इसके अंदर जहां तक मेरी जानकारी है कि इसके अंदर कोई परंतु की बात नहीं है। और हमारा तो यही विचार है कि जो फैसला दिल्ली करेगी, हम उस फैसले को, सोनिया जी जो फैसला करेंगे, राहुल जी जो फैसला करेंगे और जो फैसला प्रियंका जी करेंगे, हम उस फैसले को सिरोधार्य करेंगे। हम उस फैसले को, उस पर कोई भी किंतु परंतु नहीं होगा, हम उसको स्वीकार। क्योंकि बात सामने आई थी कि विधायक तय करेंगे कौन सीएम होगा। साहब, आपको मैं बताऊं, मैं तो जहां तक जानता हूं विधायकों के अंदर, मैं बता सकता हूँ, हमारे G6 है, हम तो आलकमान का फैसला मानेंगे। हम तो दो बार सरकार में रह लिए और जो फैसले हुए हमने तो उनको मानना है। अब कांग्रेस में है और कांग्रेस का जो आलकमान का, सोनिया जी का फैसला होगा, उसको स्वीकार करेंगे, सिरोधार्य करेंगे। और मेरी जानकारी के हिसाब से ज्यादातर विधायक इसको स्वीकार। सचिन पायलट को लेकर विरोध था शुरुआत में देखा जाए तो, क्या अब आपको लगता है कि अगर आलाकमान उनके पक्ष में कोई फैसला लेता है तो आप लोग उसको विरोध थोड़ी ना करेंगे उसका? अगर आलाकमान सचिन पायलट के फैसला, आलाकमान ने किसी को भी, सोनिया जी भरोसे लाल जी को भी बना देगी तो हम तो उनके भी साथ है। सोनिया जी, राहुल जी, जिनको भी मानेंगे हम उनके साथ। मतलब आपकी कोई इस तरह का रिजर्वेशन नहीं है कि भाई यही होना चाहिए, मतलब किसी चेहरे के साथ नहीं है कि गहलोत जी न भी रहे तो भी आपके समर्थन में कोई? साहब, फैसला जब देख रहे हैं, गहलोत जी हिंदुस्तान के अध्यक्ष बन रहे हैं, पूरे देश के कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं, और जैसा कि अब जो मीडिया में चल रहा है ये है, तो वो सारी चीजें वो ज्यादा जानते हैं। और इस मामले के अंदर जो भी बड़े नेता जो फैसला करेंगे, सोच समझ के करेंगे।